अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले की जांच करने के लिए आज किसी भी वक्त सीबीआई की विशेष टीम मुंबई पहुंच जाएगी और अपने काम में जुट जाएगी। आपको बता दें कि इस केस की जांच के लिए 4 सदस्यों की विशेष जांच टीम एसआईटी 6 अगस्त को ही बना दी गई थी। इस टीम का नेतृत्व गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर मनोज शशिधर कर रहे हैं। उनकी टीम में डीआईजी रैंक की महिला अफसर गगनदीप गंभीर, एसपी रैंक की महिला अफसर नुपुर प्रसाद और डीएसपी रैंक के अफसर अनिल कुमार यादव शामिल है। आज ये सभी अफसर केस की तहकीकात में जुटने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त सभी के जहन में सबसे बड़ा सवाल जो घूम रहा है वो यही है कि क्या सीबीआई टीम को भी बीएनसी क्वारंटाइन कर देगी, जैसा कि बिहार पुलिस के एसपी विनय कुमार तिवारी को किया गया था। तो इस सवाल का जवाब बीएमसी कमिश्नर ने दे दिया है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि अगर सीबीआई टीम जांच करने के लिए 7 दिनों के लिए आती है और उनकी वापसी का टिकट कंफर्म है तो उन्हें नियम के मुताबिक क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि टीम 7 दिन से अधिक समय के लिए आएगी तो उन्हें आने से पहले ईमेल के जरिए छूट मांगनी होगी और वो छूट उन्हें दे दी जाएगी। दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि सीबीआई टीम मुंबई में आते ही सबसे पहले क्या करेगी। अनबुझ पहेली बन चुके इस हाई प्रोफाइल केस की जांच की शुरुआत कहां से करेगी, तो आपको बता दें कि अपनी जांच की शुरुआत करते हुए सीबीआई टीम सुशांत के फ्लैट में उस कमरे में जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत की डेड बॉडी को जब देखा गया और वहां जितने लोग मौजूद थे उन सभी के बयान सीबीआई टीम नए सिरे से भी दर्ज करेगी। केस से जुड़े 10 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त सीबीआई टीम के रडार पर हैं। 10 लोगों की इस सूची में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, बिजनेस एसोसिएट सैमुअल मिरांडा, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती व अन्य लोग शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले तक मुंबई में रह रहे सिद्धार्थ पिठानी फिलहाल मुंबई छोड़कर हैदराबाद में रह रहे हैं, जबकि बाकी सभी लोग मुंबई में ही हैं। रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट सबसे पहले रिकॉर्ड किया जा सकता है व अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है। पूछताछ के दौरान इन लोगों से सीबीआई की टीम कुछ अहम कागजात की भी मांग कर सकती है। केस में सबसे अहम बात यह है कि सीबीआई के रडार पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के मोबाइल फोन भी हैं। इन दोनों के ही फोन से कई अहम सबूत मिल सकते हैं। सिद्धार्थ पिठानी का बदला व्यवहार पहले ही शक के दायरे में आ चुका है। सुशांत के पिता और उनके वकील विकास सिंह भी ये आशंका जाहिर कर चुके हैं कि सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं और बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बीते दिनों में सिद्धार्थ और रिया ने किन किन लोगों से बात की, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस किए, ये भी पता लगाया जाएगा। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने डिलीट भी की है तब भी सॉफ्टवेयर की मदद से उसे रिकवर कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के पास कई नंबर हैं जिन्हें वह जांच एजेंसियों की नजरों से छिपा दिया रही है, लिहाजा सभी नंबरों की पड़ताल करने के बाद ही सच सामने आएगा। इसी तरह सिद्धार्थ पिठानी के मोबाइल नंबरों की भी जांच हो सकती है कि उन्होंने सुशांत की मौत के बाद अब तक किन किन लोगों से बातचीत की है। इस गुत्थी का सारा सच क्या है ये तो अब सीबीआई की विशेष टीम की जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर।
तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।